समस्त लॉ स्टूडेंट का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग ने हमारे वीडियो की थंबनेल देखी होगी कि AIB 19 एग्जाम के सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था AIB एग्जाम के सिलेबस के बारे में, तो हमने वहां पर बात की थी आपका सिलेबस बदलेगा। तो आप लोगों ने कहा जो पुराना सिलेबस है उसी के हिसाब से पूछा जाएगा। मैंने कहा था नहीं, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से कानून पूरे भारत देश में लागू हो गए हैं और सितंबर में AIB के एग्जाम के फॉर्म निकले हैं। अगर जुलाई के पहले निकले होते तो पुराने एक्ट पूछे जाते। आप लोगों से कहा था इसमें चेंज होगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। अब भी समय है, अच्छे से तैयारी कर लो। अगर तैयारी नहीं करोगे, हल्के में लोगे, तो फेल हो जाओगे। मेरी बात बुरी लगे लेकिन सच्ची है, जो हकीकत है हम आपको बता रहे हैं। कोई नहीं बताएगा YouTube पर हकीकत। AIB 18 का रिजल्ट उठाकर देख लो, 52% बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि वो एग्जाम को हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं बैरेक्ट ले जाने के लिए मिलते हैं। बैरेक्ट क्या आपको चिल्लाती है एग्जाम हॉल में, हम इस पेज पर है हमारा आंसर? नहीं, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप वहां पर बैरेक्ट में 3 घंटे तक पेज पलटाओगे और कुछ नहीं कर सकते, और पता नहीं चलेगा 3 घंटे का समय कब निकल गया। इसलिए आप लोग वीडियो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आपको ज्ञान देते हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो हकीकत है वो नहीं बताते, क्योंकि उन्होंने कभी एग्जाम दिया ही नहीं, ना ही उन्होंने LLB की, ना LLM की, ना कभी NET GRF का एग्जाम दिया। हमने भी AIB 18 का एग्जाम दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और LLM की है। देख लीजिए आप लोग, आपको हमारा डिजर्टेशन दिख रहा होगा LLM 4th semester का, पंडित मोतीलाल विधि महाविद्यालय से हमने LLM की है। इसीलिए आप वीडियो उन्हीं लोगों के देखिए जो आपको सही रणनीति बनाए, जिन्होंने AIB एग्जाम क्वालिफाई किया है और जिन्होंने LLM की है, उन्हीं के वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो। एरे गैरे नथु गैरे के वीडियो मत देखिए। अगर देखोगे, इस बार तो AIB 18 हुआ था, इसके पहले 52% बच्चे फेल हुए थे, अब की बार 70% बच्चे फेल होंगे AIB 19 के एग्जाम में। आज आप लोग लिख कर ले लो, अगर हमारी बातें सच ना निकले। अगर आप लोग छोटे में लोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए AIB 19 के एग्जाम को अब हल्के में ना लेना। सिलेबस बदल चुका है, जो नए एक्ट थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, देख सकते हो आप, यह भी चेंज हो चुका है। नया आएगा जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था। अगर आप लोगों के पास बैरेक नहीं है तो बैरेक अभी खरीद लीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं अगर आप लोगों को कोचिंग करनी है तो 9 बजे से हमारी कोचिंग लगती है, 9 से 10, जिसमें हम आपकी AIB एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका AIB एग्जाम क्लियर होगा। मैंने भी किया है, उसी कोचिंग क्लास में हम आपको बताएंगे कि बैरेक्ट को आपको कैसे रीड करना है। इन 2 महीने में रीड करना है, कुछ याद नहीं करना है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में पेपर में प्रश्न देखोगे तो आपको पता चल जाएगा CRPC का प्रश्न है, संविधान का है, BNS का है, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है।
या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है। इतनी अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे, जैसे ही आपने प्रश्न देखा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उतने डीप में इन तीन लॉ है जो BNSS भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनसे डीप में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि नए लॉ है, सेक्शन बेस सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी देख सकते हो, इसे भी चेंज कर दिया गया है, अब यही पूछी जाएगी अब की बार AIB एग्जाम 19 में। इसलिए आप मार्केट से खरीद लीजिए इन बैरेक्ट को, और यही बैरेक्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए मिलेगी। अगर और कोई बैरेक्ट आप खरीदते हो तो आपको बैरेक्ट नहीं मिलेगी ले जाने के लिए, और मोबाइल भी अलाउ नहीं होता है। 3 घंटे का समय होता है और आपको पता नहीं चलता है कब निकल जाता है, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है LLB BLLB, तो आप 2 दिन तक पढ़ाई करते हो और एग्जाम देने चले जाते हो और कहते हो पास हो जाते हैं। और उसी प्रकार AIB एग्जाम को अगर सोच रहे हो तो गलत फहमी निकाल दो अपने मन से, पास नहीं होगे। LLB जरूर कंप्लीट कर ली लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। AIB एग्जाम जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप अधिवक्ता नहीं कहलाओगे, लॉ स्टूडेंट ही कहलाओगे। इसलिए AIB एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, इसलिए हल्के में मत ले लेना AIB एग्जाम को। अभी भी 2 महीने का समय है। आप लोग कोचिंग करना चाहते हो तो हमारा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1,000 रुपये मंथली फीस है। अगर कंप्लीट कोर्स और पूरी रणनीति हम आपको बताएंगे तो बहुत कम फीस में हम आपको बताएंगे। आप लोग जरूर हमारी क्लास ज्वाइन करें, और हमारे डेमो क्लासेस आपको देखना है तो जरूर देख लीजिए। यूट्यूब पर 3 क्लास है, हिंदू लॉ हमने पढ़ाया था, वहां पर आप देखिए कितनी सिंपल सरल भाषा में आप लोगों को बताया। आपको एक बार में याद हो गया होगा जिनने हमारे वीडियो देखे हैं, और उन्हीं बच्चों ने कहा हमें कोचिंग करनी है आपसे सुदामा, तो मैंने कहा ठीक है 1,000 रुपये मंथली फीस है, तो उनने कहा ठीक है हम 1,000 रुपये देंगे। उन्हीं बच्चों को हम कोचिंग पढ़ाते हैं जो पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़ने में रुचि नहीं है जो भाषण देते हैं, क्या तुम पढ़ा पाओगे? अनुभव जरूर हम कहते हैं, हम AIB एग्जाम मैंने क्लियर किया है, अभी MP ADPO का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, लेकिन जब वैकेंसी आएगी और भी वादा करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा MP ADPO का एग्जाम, क्योंकि हम भी तैयारी करते हैं और NET GRF के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि LLM की है, प्रोफेसर बनना हमारा मकसद है। आप बताइए आप वीडियो किसके देखना पसंद करोगे YouTube पर, नत्थु गैरो के जो कुछ भी ज्ञान पीलते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी एग्जाम दिया ही नहीं है, ऑल इंडिया बार एग्जाम। हमने AIB 18 इसके पहले जो हुआ था 1 साल पहले और एग्जाम दिया था, आप लोग देख लीजिए यह पेपर है और हमारी यह आंसर सीट है, OMR सीट हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार आपको OMR सीट मिलती है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि आपको गोला किस प्रकार लगाने हैं, नहीं तो गलत करते हैं बच्चे आधे से ज्यादा। जब गोला लगाते हैं तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं A B C D, कुछ लोग तो जल्दी जल्दी में ए पर लगाते हैं, बी पर लगाते हैं, सी पर लगाते हैं और डी पर लगाते हैं, इस प्रकार की गलती करते हैं। लेकिन अगर गलती करोगे तो फेल होगे, इसलिए गलती नहीं करनी है। AIB एग्जाम 19
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा साथियों, हम आपसे वादा करते हैं, इसलिए आप लोग हमारी कोचिंग क्लास जरूर ज्वाइन करें और इसके ऊपर हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे, आप लोगों के समक्ष लाएंगे और जो OMR शीट मिलती है आपको बताएंगे। आप लोगों को गलती नहीं करनी है, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे लॉ स्टूडेंट होते हैं, उसी दिन जिस दिन AIB एग्जाम है उसी दिन दुकान से डायरेक्ट खरीदते हैं। आप बताइए क्या ऐसे स्टूडेंट AIB एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एटीट्यूड में होते हैं, उनका जो लेवल होता है हाई होता है, जुनून हाई होता है, ऐसे लोग ही फेल होते हैं। इसीलिए अगर जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है AIB और LLM की है और नेट GRF की तैयारी कर रहा है और MP ADPO की भी तैयारी कर रहा है, उसके वीडियो देखिए आप लोग, अन्य लोगों के वीडियो देखोगे और फ्री की क्लासें लोगे तो यही होगा। AIB 18 में 52% बच्चे फेल हुए थे और इस बार AIB 19 के एग्जाम में जो भी बच्चे हैं अगर हल्के में लेंगे, जिस प्रकार AIB 18 को लिया था, तो आज लिख कर ले लीजिए आप लोग। हम YouTube पर बोलते हैं 70% बच्चे फेल हो गए AIB 19 के एग्जाम में। यह वीडियो हमेशा रहेगा YouTube पर, आप लोग कभी भी उठाकर देख लेना, सच्चाई जो है हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। सिलेबस भी बदल गया है, नए लॉ भी हम सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे अपने कोचिंग क्लास में। और BNS है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, केवल 10 दिन में कंप्लीट करवाएंगे, केवल 10 दिन में। आपको बताइए किस प्रकार डायरेक्ट से क्वेश्चन ढूंढना है, इसीलिए आप लोग जरूर ज्वाइन करें क्लास। और डेमो क्लास देखना है तो यूट्यूब पर लाइव ऑप्शन में हमारी डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, हिंदू लॉ की आप देख सकते हो। इसीलिए साथियों, अगर हमारी सलाह मानोगे तो AIB एग्जाम को अब हल्के में ना लेना। LLB हो गई, BLLB हो गई, लेकिन वकील नहीं बन पाओगे। अगर वकील बनना है तो AIB एग्जाम क्लियर करना होगा। प्रत्येक डाटा उठाकर देख लीजिए पिछले साल का AIB 18 का, आंखें खुल जाएंगी। डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलता है और 3 घंटे का समय मिलता है, फिर भी 52% बच्चे फेल हुए थे, क्योंकि अब जो पेपर का लेवल है बढ़ गया है, बच्चों जैसा पेपर नहीं आता कि मर्डर के लिए दंड BNS की धारा 103 में बताया गया है, तो आप 103 खोलोगे और टिक कर दोगे। ऐसे नहीं पूछे जाते सेक्शन बेस, केवल 10 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं सेक्शन बेस, और किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है, कभी भी माइनस मार्किंग हो सकती है और डायरेक्ट बंद हो सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर कर लीजिए दोस्तों, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे OMR सीट पर जो गोला लगाने हैं किस प्रकार इसको भरना है, इसके ऊपर वीडियो रहेगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमसे बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, हम आपको बताएंगे, आपका एग्जाम क्लियर करवाएंगे, हम आप लोगों से वादा करते हैं। अगर आप लोग हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो, अगर नहीं करना है तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हल्के में मत ले लेना, सिलेबस देख लो, अभी भी टाइम है, फेल हो जाओगे, एक लॉ स्टूडेंट कहलाओगे, अधिवक्ता नहीं बन सकते। इसलिए AIB 19 के एग्जाम को हल्के में ना ले लेना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।